नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक बजट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण करंट से रिलेटेड है, जो कि अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाया गया है। हालांकि इसके संदर्भ में बजट 2021 और 22 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया था, और उसी की संरचना को व्यवहार में लागू करने के लिए, उतारने के लिए जो है विकास वित्त संस्थान की स्थापना की बात कही गई थी। तो विकास वित्त संस्थान आज के इस टॉपिक में हम लोग शामिल कर रहे हैं। विकास वित्त संस्थान जो कि 16 मार्च 2021 अभी हाल में ही 16 मार्च 2021 को कैबिनेट की मीटिंग में वित्त मंत्रालय के द्वारा रखे गए जो प्रस्ताव में स्वीकार किया गया है, जिसकी बात बजट 2021 और 22 के अंतर्गत सरकार स्थापित करने के रूप में कह चुकी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विकास वित्त संस्थान की क्या संरचनाएं हैं, इसके क्या स्थापना से निहितार्थ निकलते हैं। तो विकास वित्त संस्थान बेसिकली 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया एक ऐसा वित्तीय जो संस्थान है, जो भारत में जो है बुनियादी और अवसंरचनात्मक ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मदद देगा। तो इसकी स्थापना करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी हाल में ही प्रस्ताव रखा था, जिसे 16 मार्च को कैबिनेट ने प्रस्ताव को पास किया है। इसकी जो प्रारंभिक जो पूंजी होगी, प्रारंभिक जो पूंजी है वो 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है। और यहाँ पर इसकी पूंजी की जो व्यवस्था है वो बाजार से भी लिया जाएगा, बीमा से लिया जाएगा, और इसी तरीके से प्रतिभूति को भी जारी किया जाएगा, इस तरीके की बात कही गई है। तो विकास वित्त संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो बुनियादी और अवसंरचनात्मक ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अपनी प्रारंभिक पूंजी से प्रारंभ की गई है। और यहाँ पर आने वाले समय में बीमा बाजार और प्रतिभूति जारी करके यहाँ पे धन एकत्रित करने का जो प्रावधान किया जाएगा। इसके जो कार्य हैं, बेसिकली कार्य जो होंगे वो जो है आधारभूत जो बुनियादी ढांचे से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट, ये भारी बजट की जो है जरूरत होती है, जिसे सामान्यतः बैंकों के द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तात्कालिक रूप से कोई रिटर्न नहीं होता है और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है बजट लगाया जाता है। इसलिए ऐसी परियोजनाएं बीच में रुक जाती हैं या बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं की जाती हैं। अतः इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विकास वित्त संस्थान की बात जहां पर बजट में की गई थी, वहीं पर 16 मार्च 2021 को संपन्न हुए कैबिनेट की मीटिंग में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है। तो इस तरीके इसका कार्य जो है दीर्घकालीन जो है दीर्घकालीन जो परियोजनाएं जो होंगी और जो कि बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित होंगी, उनके जो है परियोजनाओं में ये निवेश करेंगी या उनको जो है आर्थिक सहायता इनके द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे उन परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना संभव हो सके। इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव ये होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि एक निश्चित लाभ के लिए, एक निश्चित जो है कार्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा था, उसे समय से पूरा किया जा पाएगा, जिससे देश के विकास में वो संस्थान अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल होगा। तो इससे वो बजट जो है उसका लागत भी कम आएगा, क्योंकि जब कम समय में रिटर्न प्रारंभ हो जाएगा तो उसकी लागत कम आएगी और वह लाभ का एक जो है साधन भी बन सकेगा। और एक प्रभाव इसका यह है कि जो परियोजनाएं बीच में बंद हो जाती थी या लंबे समय तक खींचती थी, जिसमें बहुत समय लगता था, वो कम समय में पूरा किया जा सकेगा। तो इस तरीके से विकास वित्त संस्थान यदि अपने कार्यों में आगे बढ़ता है और विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में आर्थिक मदद करने में सफल होता है, तो ये देश के जो विकास में नीति आयोग के साथ मिल करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बेसिकली इस तरीके के सवाल मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको हल करने के दौरान 2 से 3 पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये
कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके आधारभूत जो तथ्यात्मक व्यवस्थाएं उसको जानना आवश्यक है। जैसे 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से एकत्रित किया जा रहा है धनराशि, इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी है, ये बेसिक जानकारी आपको होना आवश्यक है। पुनः आप उसके कार्यों को आप लिखने का प्रयास करेंगे, पुनः उसके प्रभाव को आप लिखने का प्रयास करेंगे, अंत में उसके निहितार्थ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है पॉइंट में जो है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसके आधार पर अपने उत्तर को 70 से 75 शब्द में तैयार कर सकते हैं। और इसी को अगर आप बढ़ाना चाहें, इसको जो है व्याख्यायित करना चाहें, तो ये 150 शब्दों तक हो सकता है, क्योंकि कमीशन भी आपकी इसी तरीके की अपेक्षा करता है कि आप उस टॉपिक का कितना विश्लेषण कर सकते हैं और उससे संबंधित पहलुओं को, तथ्यों को, अवधारणाओं को उसमें समेटने का कार्य कर सकते हैं। ये होती है आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, क्योंकि जानकारी आपको केवल इतनी की ही होगी, लेकिन ये चीज ये और ये स्वयं आपको लिखने का प्रयास करना होगा। ये आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उस टॉपिक के बारे में समझ पर आधारित और निर्भर करेगा। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा का जो अप्रोच है वो केवल यहाँ पर बताए गए विकास वित्त संस्थान के ही संदर्भ में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी समस्त जो है अध्ययन और आपके जो अप्रोचेज हैं वो इसी प्रकार से और इसी तरीके से जो है डिपेंड होना चाहिए। और जब आप इस पैटर्न पर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास मुख्य परीक्षा में लिखने की एक समझ बढ़ेगी, कौशल बढ़ेगा और अवधारणात्मक रूप से आपका उत्तर तैयार होगा। क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं तो वहाँ जीएस के पेपर में सब्जेक्ट में भी पूछता है, जीएस में भी उसका दायरा बहुत ही व्यापक होता है, और ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के प्रश्नों का ज्यों का त्यों 150 शब्द या इसी तरीके से 75 शब्द में उत्तर उसका याद हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम के समय में भी विश्लेषण करने की जरूरत पड़ सकती है। और जब इस पैटर्न पर आप अपने तैयारी को बढ़ाएंगे और तैयारी का एक कल्चर डेवलप करेंगे तो आपको ऐसे उत्तर मुख्य परीक्षा में लिखने में जो है आपकी बहुत मदद करेंगे। और ऐसे सवाल जो कि ना तो अच्छे तरीके से आपको आ रहे हैं और ना ही बहुत कम उसके बारे में जानकारी, बल्कि कुछ जानकारी होती है, वैसे उत्तर को इस पैटर्न पर लिखने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आपको कुछ लिखने में जो है कौशल के स्तर पर सुधार करने में जो मदद होगी और आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में जो है इस तरीके की अवधारणा, इस तरीके के कौशल, इस तरीके के अप्रोच आपको मदद लाएंगे। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग संक्षिप्त वीडियो के अंतर्गत विकास वित्त संस्थान को शामिल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी सही दिशा में जो है चल रही होगी। पुनः अगले संक्षिप्त वीडियो में एक नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।